नमस्कार, मैं हूँ सुनील सुराड़कर और आप देख रहे हैं बिग न्यूज हिंदी। जिस तरह से साई प्रबोधन ट्रस्ट और भारतीय जनता पार्टी मलाड विधानसभा में विकलांगों के लिए आज चेयर दे रही है, आइए हमारे साथ में सांसद जी हैं, उनसे जानते हैं। गोपाल जी, क्या कहना चाहोगे? देखिए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनकर 7 साल पूरे हो गए, उस उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह करके ये वीक हम मना रहे हैं और इसमें लोगों का सेवा किस तरह से हो, इस प्रकार का एक गाइडलाइन मोदी जी ने पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं को दिया, उसके बदौलत ये कार्यक्रम हमने आज करके जो विकलांग है उनको मदद करने का काम साई प्रबोधन ट्रस्ट, जो हमारे विनोद सेलार पूर्व नगर से हुए, उनके प्रयास से किया है। और भी आने वाले दिनों में जो बचे हुए लोग हैं, हैंडीकैप लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, ब्लाइंड लोग हैं, इनकी जो कुछ भी आवश्यकता है वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से अगर देरी होती है तो प्राइवेट दाताओं के माध्यम से उनको मदद करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे। सर, हमें ये भी देखा कि जिस तरह से अभी जो आज जिस तरह से सैलाब आया था, सैलाब में आप उत्तर मुंबई के सांसद होने के बावजूद दूसरे राज्यों में जाके उधर राहत पहुंचाइए, जैसे कि मनोहर हो गया, बहुत सारे राज्यों में, क्या कहना चाहोगे उन लोगों के लिए? देखिए, हमारे उत्तर मुंबई में मलाड और गोराई में थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन थोड़े अगल बगल में बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इसलिए मुंबई भारतीय जनता पार्टी ने पूरा कोंकण का जवाबदारी पूरा लिया, उत्तर मुंबई ने वसई, पालघर, बोईसर ये 3 जगह का जवाबदारी लिया था। इसलिए सारे उत्तर मुंबई के लोगों के पास से सहायता उपलब्ध करके वहाँ पर बांटने का काम हमने किया। पूरा देश अपना है ना, सारे देश के लोग अपने हैं। मैं सिर्फ उत्तर मुंबई के बारे में ये देखूंगा तो फिर जहाँ पर सांसद या तो विधायक हमारे नहीं है वहाँ पर कौन मदद करेगा? तो ये हमारा सबका उत्तरदायित्व बनता है कि जहाँ पर कम वहाँ पर हम। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से विकलांगों के लिए मदद करने के लिए हेमंत जांगला जी जैसे लोग आगे आ रहे, उन लोगों के लिए आप कितना प्रेरणा स्रोत बनोगे? मैंने कहा कि देखिए, जिनको भगवान ने पैसे दिए वो पैसा खर्चा करते हैं, भगवान ने मुझे पद दिया है, मुझे भगवान ने समय दिया है, मेरे पास समय है तो मैं समय का उपयोग करूँ, मैं मेरे पद का उपयोग करूँ, उनके कार्यक्रम में आकर उनका सम्मान करूँ। तो ये सब ज्वाइंट वेंचर है। अभी आप मीडिया करते हो तो आप हमारा काम लोगों के घर तक पहुँचाने का काम कर रहे हो, जिससे जो बनता हो सब लोगों ने मिलकर करना चाहिए। आप भी करते हो, मैं भी करता हूँ, वो भी करते हैं। नैतिक जिम्मेदारी लोग पार कर रहे हैं, ये बात मान रहे हो? मैं मानता हूँ, सारे लोग मिलकर काम करते हैं। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि देश में 50% जो लोगों को मदद करने का काम है वो प्राइवेट NGOs के माध्यम से होता है और 50% काम सरकार के माध्यम से होता है। NGOs के लोग जिस दिन काम करना बंद कर देंगे उस दिन हाहाकार हो जाएगा। कितनी शुभेच्छा दोगे हेमंत जांगला जी को? मैं तो परमात्मा से प्रार्थना यही करूंगा कि जिनको भगवान ने धन दिया है उनको मन भी देना चाहिए। तो हेमंत जी को और जांगला जी को, तिबरीवाल जी को भगवान ने धन भी दिया है और धन के साथ साथ में मन भी दिया है। बहुत सारे पैसे वाले लोग ऑफिस में बैठकर पैसा दे देते हैं कि लो आप जाकर दे दो, बांट दो करके, लेकिन कुछ लोग होते हैं जगह पे इस प्रकार का कार्यक्रम का भी आनंद लेने के लिए आते हैं, उसमें से जांगला जी और तिबरीवाल जी है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे दाताओं को भगवान आने वाले दिनों में और ज़्यादा पैसे दे ताकि समाज का सेवा कर सके। जांगला जी, जिस तरह से इतना नैतिक काम कर रहे हो आप, क्या कितना प्रेरणा स्रोत और क्या किसको आप आदर्श मानोगे? नहीं, वैसे नहीं, रोटी के साथ साथ मेरा दायित्व NGO सेल भी देखता हूँ, बीजेपी का मुंबई का, बीजेपी NGO सेल का अध्यक्ष भी हूँ जो जवाबदारी निर्वाह कर रहा हूँ। और जैसे आपको पता है कि हमारी पार्टी ने यही सिखाया, जैसे गोपाल जी ने भी बताया कि अंत्योदय में विश्वास करते हैं, मतलब अपने सोसाइटी के आखिरी छोर पे जब तक उसको उसकी सुविधा, मूलभूत सुविधा नहीं दे सकते तब तक हमको प्रयत्न करना चाहिए। और वो प्रयत्न हम सब रोटरी के माध्यम से भी मैं करता हूँ और एज ए NGO सेल के अध्यक्ष के नाते भी कुछ ना कुछ मुंबई में काम चलता रहता है मेरा भी, और टीम के साथ लेके चलते हैं। आने वाले दिनों में आज 27 साइकिल और विकलांगों के लिए साइकिल व्हीलचेयर बांटी गई है, आने वाले दिनों में क्या क्या और कुछ बांटने की प्रयास रहेगा आप? ऑलरेडी सेवा वीक हमारा चल रहा है, भारत जनता पार्टी का सेवा वीक चल रहा है, उसमें ऑलरेडी हमने बच्चों को चॉकलेट है, बिस्किट है, ऑलरेडी 2 दिन हो गया हमने पार्ला अंदरी साइड बांटा है, शायद ये साइड भी अनाज का कोई कुछ प्रोग्राम है, अगले 2-3 दिन में अनाज भी बांटेंगे, ग्रोसरी किट है प्लस बिस्किट, मिल्क शेक, ऐसे कोई भी चीज़ें आती है तो हम बच्चों में भी थोड़ा, क्योंकि बच्चे बहुत मायूस है 1 साल से, तो वो भी प्रयत्न करते हैं कि थोड़ी मुस्कान हम ला सकें तो चॉकलेट वगैरह वो भी बांटते हैं, प्लस सैनिटाइजर है, मास्क है, वो तो कंटिन्यू चलता ही रहता है। खास करके हमने ये भी देखेंगे जिस तरह से लोगों को साइकिल आज वितरण की गई है, ऐसे कोई ऐसे चेहरे आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे व्हील चेयर पर बैठे हुए कई मुंबई और मलाड के रहवासी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ में हमारे पुराने जूने मित्र हैं। असलम जी, कितनी खुशी हो रही है आज जो साइकिल आपको मिली है, क्या खुशी का माहौल है? ये बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे साइकिल मिल गई है, इसके जरिए से मुझे कम अज़ कम बैठ के मैं चल सकता हूँ, पहले मैं नीचे रगड़ रगड़ चला करता था, लेकिन अब इसकी वजह से बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर बैठ के।
साथ साथ हमारे साथ में और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बता देता हूँ कि मेरा कैमरा माध्यम से विकलांग है, चलने की हालत नहीं है, मगर जहाँ से कहाँ ना कहाँ ये चल के आने के बाद ये व्हीलचेयर के ऊपर बैठने के बाद कहाँ ना कहाँ उनको एक खुशी का माहौल मिलेगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनको उड़ान भरने के लिए खुशी की साइकिल दी है, उन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहने चाहोगे भाई साहब? विनोद जी, जिस तरह से आज 27 साइकिल बांटी गई है पलाड़ विधानसभा में, क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सेवा सप्ताह मना रही है, वैसे हम लोग साल भर सेवा कर रहे हैं। अभी थोड़ी एक महीने पहले 5,000 सुरक्षा कवच रिक्शा वालों को हमने बांटे, पैसेंजर और ड्राइवर का सुरक्षा कवच मलाड ईस्ट और वेस्ट मिलकर 5,000 बांटे। उसके पहले हमने ब्लड डोनेशन कैंप किया, 5,500 बॉटल ब्लड जमा किया। आज उसका एक अगला पड़ाव, आज 27 लोगों को व्हीलचेयर दे रहे हैं और भी कुछ लोगों को आने वाले दिनों में देंगे। समाज के अंतिम व्यक्ति की समस्या को ध्यान में रखकर खुद अपने आप को झोंक देना और उसको वो सुविधा मुहैया करना, ये भारतीय जनता पार्टी अपना परम कर्तव्य समझती है। भले हम राजनीति में हैं, राजनीति में करते रहेंगे, लेकिन राजकीय क्षेत्र में काम करने के बाद भी सामाजिक क्षेत्र हमारा बेस होना चाहिए, ये सोच भारतीय जनता पार्टी की है, जिसका परिपाक आज यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। 7 साल के सेवा सप्ताह किस तरह से आगे और सप्ताह बनेगा? नहीं, हम 5,000 पेड़ लगाने वाले हैं, ये हम कार्यक्रम करेंगे। इसके अलावा कोविड के हिसाब से जो और भी मदद वैक्सीनेशन की है और भी कुछ वो करेंगे। हमारे कोली समाज को अभी बाढ़ तूफान की वजह से तकलीफ आई, उनके लिए भी हमने अनाज बांटा। अभी उनके लिए जो टूटी हुई बोट है उसके लिए कुछ मदद करने का है, तो उस तरह की मदद कोंकण में हम लोग पतरा तुम्हारा ताड़पत्री प्लास्टिक सब दे रहे हैं वहाँ के लोगों को। तो अलग अलग माध्यम से समाज के लोगों की समस्या को ध्यान में रखकर ये सेवा सप्ताह मनाया जाएगा। खास करके मुंबई शहर में सेवा सप्ताह गए 7 साल से जिस तरह से सरकार अपना काम कर रही है, आने वाले दिनों में और भी सेवा सप्ताह के नाम पे काम किया जाएगा। इस वक्त मुंबई से संतोष सोनावने के साथ सुनील सुराड़कर, बिग न्यूज़ हिंदी, मुंबई।